अजीत डोभाल से पाकिस्तान क्यों कांपता है? पुलवामा हमले के बाद भारत द्वारा आतंकी शिविरों पर जो हमला किया गया, उसके बाद अजीत डोभाल पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वे भारत के सबसे अच्छे रणनीतिकार हैं, जो यह तय करते हैं कि भारत को अपनी रक्षा मामलों में किस पॉलिसी पर काम करना चाहिए। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वासपात्र अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अजीत डोभाल को पाकिस्तान अपना दुश्मन नंबर वन मानता है, और उसकी वजह भी है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान अजीत डोभाल की नीतियों ने पहुंचाया है। उनकी रणनीति ऐसी होती है जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी ही पड़ती है। हाल ही में जब भारतीय पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान द्वारा गिरफ्तार किया गया, तो उसके बाद अजीत डोभाल द्वारा ही एक ऐसी रणनीति तैयार की गई जिसमें पाकिस्तान को अभिनंदन को छोड़ना उसकी मजबूरी बन गया। और पहली बार ऐसा हुआ है कि 48 घंटों के भीतर भारतीय पायलट भारत की भूमि पर वापस आ गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी पाकिस्तान की संसद में जब यह घोषणा की कि वे अभिनंदन को भारत भेज रहे हैं, तो सभी ने मेज थपथपाकर उनकी इस घोषणा का स्वागत किया। और कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे अजीत डोभाल का ही हाथ है। पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने अभिनंदन के साथ कुछ भी किया तो उसे बहुत बड़ा मुआवजा देना होगा। इधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी बार बार यह कहा जा रहा है कि उन्होंने सेना को खुली छूट दी है, सेना अपने हिसाब से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। यह सलाह भी अजीत डोभाल के कहने से दी गई है, क्योंकि इसके पहले सेना को किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने के पूर्व सरकार से अनुमति लेना पड़ती है। लेकिन अजीत डोभाल के कहने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सेना को खुली छूट दे दी गई है। खुली छूट के ही मायने है कि पाकिस्तान इस बात से डरा हुआ है कि भारतीय सेना कभी भी कुछ भी एक्शन ले सकती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अजीत डोभाल भारत की ओर से पाकिस्तान में जासूस थे, और वे अपने ही पूरे बीते 6 साल तक वहां मार्शल के पद पर पहुंच गए थे। यही वजह है कि उन्हें पाकिस्तान के हर अंदरूनी मामले की जानकारी है, और पाकिस्तान इसी वजह से उनकी खौफ भी खाता है। 1945 में एक गढ़ावली उत्तराखंड ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। पिता आर्मी में ब्रिगेडियर थे। 1968 में आईपीएस का एग्जाम टॉप किया, केरल बेच के आईपीएस ऑफिसर बने। 17 साल की ड्यूटी के बाद ही मिलने वाला मेडल 6 साल की ड्यूटी के ही बाद मिला। पाकिस्तान में जासूस के तौर पर तैनाती, पाकिस्तान की आर्मी में मार्शल की पोस्ट तक पहुंचे और 6 साल भारत के लिए जासूसी करते रहे। 1987 में खालिस्तानी आतंकवाद के समय पाकिस्तानी एजेंट बनकर दरबार साहिब के अंदर पहुंचे। 3 दिन आतंकवादियों के साथ रहे। आतंकवादियों को सारी इन्फॉर्मेशन लेकर ऑपरेशन ब्लैक टंडर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।